शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्म शंभुफणीन्द्र सेव्यमनिशम वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वराहपीडं नटवर वपु करुणयो कर्णिकारं विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्थमीश्वरं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परमादरणीय सौजन्यमयी श्रीमती राश्री जी बिरला, आदरणीय नेवर जी, आदरणीय भाई जी, आदरणीय भालोटिया जी, आदरणीय एस के प्रसाद, समस्त सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, हम सभी लोग पुनः इस पावन प्रांगण में श्री हनुमंत लाल जी के माध्यम से विभीषण को कैसे भगवान श्री राम की प्राप्ति हुई और भगवान श्री राम कैसे कैसे लोगों को अपना लेते हैं, अगर कोई संत सिफारिश कर दे, सुग्रीव की सिफारिश भी हनुमंत लाल जी ने किया और विभीषण की सिफारिश भी हनुमंत लाल जी ने किया। यद्यपि इन दोनों की जो अवस्था रही पहले या बाद में,
अगर थोड़ा बुद्धिपूर्वक विचार करें तो बहुत कोई उच्च कोटि की भक्ति तो प्रतीत नहीं होती। भक्ति थी लेकिन हमारे आपके जैसी थी प्रायः। हमारे आप जो मैंने अच्छे अच्छे भक्त भी होंगे इसमें, लेकिन प्रायः जैसे हम लोग भक्ति करते हैं कि जब ज़रूरत पड़ी तो हनुमान चालीसा कर लिया, ज़रूरत पड़ी तो सुंदरकांड कर लिया, और काम पूरा हो गया तो हनुमान जी अपने घर हम अपने घर। हाँ। करते ना ऐसे बहुत लोग। और सुग्रीव तो पराकाष्ठा ही कर दिया, सब कुछ पाने के बाद 4 महीने में भगवान को भूल गया। तो इससे पता लगता है कि ऐसे भक्त उस समय भी थे, त्रेता युग में भी, आज भी हैं। जरूरत है कोई हनुमंत लाल जी जैसे महापुरुष की, जो ऐसे भक्तों को भी भगवान से जोड़ने में सफल हो जाते हैं। और हनुमंत लाल जी जैसे महापुरुष जब भगवान से जोड़ते हैं तो भगवान उस भक्त को कभी परित्याग नहीं करते हैं। आज विभीषण जी भी हनुमान जी की प्रेरणा से ही आए। हनुमंत लाल जी कह के आए थे, अगर मेरे को स्वीकार कर लिया तो तुम्हारी तो बात ही क्या है, तुम तो बहुत अच्छे हो। हनुमंत लाल जी ने कहा था ना, सब लोग सुंदरकांड का पाठ करते, हनुमान जी ने तो कहा था कि मेरा तो कोई नाम ही ले ले प्रातःकाल तो भोजन न मिले, प्रात ले जो नाम हमारा ता दिन ता ही न मिले आहारा। यद्यपि यह सच नहीं है, लेकिन विभीषण के मनोबल को बढ़ाने के लिए हनुमंत लाल जी ने कहा, तुम तो प्रातःकाल से भगवान का नाम लेते हो, घर में मंदिर बनाए हो, तुलसी का पौधा लगाए हो, राम राम लिखे हुए हो, तुमको तो भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। वो बीजारोपण हनुमंत लाल जी ने कर दिया था। आज वो विभीषण आ गया भगवान के पास, और जिन समस्याओं के कारण वो नहीं आ पा रहा था, लालसाओं के कारण, समस्याओं के कारण, इच्छाओं के कारण, वो इच्छाएं भी टूट गई। और कभी कभी ये जो कष्ट आता है, दुख आता है, प्रायः भागवत में लिखा है, पूज्य राम किंकर जी महाराज कहते थे, और राग को भी कई बार सुनाया गया, ये कष्ट 2 कारणों से आता है, एक हमारे कर्म का होता है और एक भगवान की कृपा का होता है। कर्म का कष्ट आने के बाद व्यक्ति संसार में फंसता हुआ चला जाता है, और कृपा का कष्ट आने के बाद व्यक्ति संसार को छोड़ के भगवान के रास्ते पर चल पड़ता है। चीट नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, मैंने दूसरा काम प्रारंभ किया वो भी बंद हो गया, तीसरा प्रारंभ किया वो भी बंद हो गया, कोई काम ही नहीं था तो वृंदावन आ गया। ऐसे भी बहुत लोग वृंदावन जाते जब कोई काम नहीं रहता चलो बांके बिहारी का दर्शन ही करा, बोले कोई काम नहीं रहा तो वृंदावन आ गया। लेकिन वृंदावन आने के बाद पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का सत्संग, पूज्य आनंदमयी माँ का सत्संग, हरि बाबा का सत्संग, भक्त कोकिल का सत्संग, बोले वास्तव में लगता है कि वास्तविक मनुष्य जीवन का फल तो यही। अब मेरे को लगता है कि मेरी फैक्ट्री मेरे कर्म से बंद नहीं हुई थी, ये बांके बिहारी ने बंद करवाई थी अपने पास बुलाने के लिए, और वो हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन में रह गए। ये सत्य घटना है। ज़्यादा लोग ताली नहीं बजा रहे क्यों जानते हैं, हमारी फैक्ट्री भी ना बंद कराते सबके नहीं बंद कराते, घबराना मत। हाँ, माँ बच्चे को खिलौना दे देती है जब बच्चे को चाहती है कि खेले में अपना कुछ काम कर लूं, लेकिन जब बच्चे को गोद में उठाना होता है, नहलाना होता है, दूध पिलाना होता है, और बच्चा खिलौना न छोड़ रहा हो, तब माँ क्या करती है, फिर खिलौना जबरदस्ती छुड़ा के, भले एक थप्पड़ भी मारना पड़े तो भी खिलौना छुड़ा के फेंक देती है और बच्चे को गोद में उठा लेती है। तो ध्यान रखना, जिनको ठाकुर जी चाहते हैं कुछ दिन अभी इनको लगे रहने दो, उनको खिलौना दे देते, और जिनको ठाकुर अपनी गोद में उठाना चाहता है उनका खिलौना छीन लेते हैं और अपने पास बुला लेते हैं। हाँ, तो घबराना मत कि बिहारी जी फैक्ट्री बंद कर देते हैं, जिनकी चाहिए उनकी चला भी देते हैं। तो अभिप्राय ये जो महाराज इनको जो चरण प्रहार हुआ विभीषण को, ये रावण के पहले भी बोलते रहते थे कुछ ना कुछ, लेकिन पहले तो नहीं मारा, आज राम जी की कृपा का रूप था। और वो जो रावण से कुछ आशाएं इनकी बंधी हुई थी कि शायद मेरे को उत्तराधिकारी बना देगा, जो राज बना देगा, वो आशाएं टूट गईं।
और सारी आशाएं टूटने के बाद जो इच्छाएं भगवत प्रेम में बाधाएं थी खत्म हो गई और आज राम जी के पास पहुंचा है तो रामाकार मन है। हाँ, क्योंकि जो ममतास्पद थे, रागास्पद थे, द्वेषास्पद थे, समस्त छूट गए। आज विभीषण का मन पूर्ण रामाकार है, राम प्रेम में डूबा हुआ है। आज उन्हीं श्री राम का दर्शन होगा जिनके चरणों की पादुका भरत जी अपने सिर पे उठाए रखते थे। आज उन्हीं श्री राम का दर्शन होगा जिनका स्मरण हमेशा भगवान शंकर करते रहते हैं। आज उन्हीं भगवान श्री राम का दर्शन होगा जिनके चरणों की रज से अहिल्या का उद्धार हो गया था। हाँ, क्या भाव है ये, वही विभीषण है कोई सोच सकता है, जो जानकी जी के पास कभी गया नहीं मिलने के लिए रावण के भय से, जो राम जी के पास नहीं आया रावण के भय से, जो विभीषण इतना प्रेम में डूबा हुआ, क्यों भगवान की कृपा हो गई। तो कभी कभी कृपा सुख के रूप में भी आती है और कभी कभी कृपा दुख के रूप में भी आती है भक्त के जीवन में। महाराज, अब विभीषण बाहर खड़ा है, भगवान ने सुग्रीव से पूछा क्या करें भाई, रावण का भाई आया है मिलने के लिए। सुग्रीव, तुम इस समय बांदरों के राजा हो, बताओ नीति के अनुसार क्या कर्तव्य है। तो सुग्रीव अपनी दृष्टि से ही जवाब दिया, महाराज मेरे को तो ऐसा लगता है इसको बांध के इसकी पिटाई करना चाहिए और इससे पूछना चाहिए ये क्यों आया है। हाँ, ये आया क्यों, ये कोई ना कोई भेद लेने आया होगा। राम जी हंसने लग गए, क्यों हंसने लग गए, जानते थे इसका जवाब यही होगा। हाँ, जो डरपोक होता है हमेशा सबसे डरता रहता है। हाँ, पता नहीं क्या कर देगा, पता नहीं क्या कर देगा। राम जी ने कहा, सुग्रीव तुमने नीति की दृष्टि से तो बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मेरी भक्ति की दृष्टि से तुमने विचार नहीं किया। हाँ, सारे संसार का आश्रय छोड़ करके जो मेरी शरण में आ जाता है वो देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, मैं उसका परित्याग कभी नहीं करता हूँ। ये मेरा प्रण है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा स्वभाव है। लेकिन प्रश्न है कि सभी आश्रय भरोसा छोड़ के आया। और आप लोग जानते हैं बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, गजेंद्र के लिए भगवान का एक अवतार हुआ, द्रौपदी के लिए के भगवान का वस्त्रा अवतार हुआ, लेकिन हुआ कब, कब हुआ, जब सारे आश्रय भरोसे छूट गए। हाँ, जब लग गजबल आपन बरत्यो, नेक सर्यो नहीं काम, निर्बल होई बलराम पुकार्यो, तो आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। वो अवस्था जब चित्त की हो जाएगी, आपको अपनी शक्ति और अपने सहयोगियों की शक्ति का भरोसा जिस समय समाप्त हो जाएगा और आप प्रेम पूर्वक प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु को कहीं से आना थोड़ा होता है। हाँ, प्रभु तो वहीं होते, जहाँ से आपकी पुकार निकलती है प्रभु वहीं होते हैं, वहीं प्रकट हो जाते हैं। आए आधे नाम, आधे नाम में कहाँ से आ जाएंगे भाई, वहीं थे वहीं प्रकट हो गए, आना थोड़ा था। हाँ, वहीं थे वहीं प्रकट हो गए। अरे प्रहलाद जी ने खंभे से प्रकट करके दिखा दिया कि परमात्मा सब जगह है। नामदेव जी ने बावली के भूत में से ठाकुर को, विट्ठल को प्रकट करके दिखा दिया परमात्मा सब जगह है। तो विभीषण आज सर्वस्व आश्रय भरोसा छोड़ के आए हैं। भगवान कहते हैं, सुग्रीव सब कुछ छोड़ के जो आता है उसका परित्याग मैं कभी नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन हम लोग जाते तो हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मैंने घर परिवार नहीं छोड़ना, आश्रय भरोसा, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। हाँ, ये हो जाए फिर ठाकुर नहीं आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो घटना आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई। हाँ, अब नामदेव जी को कुटिया में जब आग लग गई तो जानते हो नामदेव जी क्या कर रहे थे, आग में घी डाल रहे थे, उन्हीं की कुटिया जल रही, आग में घी डाल रहे। गांव वाले पानी लेके बुझाने आए, बोले कोई फायदा नहीं, जिनकी कुटिया वही घी डाल रहे हैं तो अब हमारी बुझाने से कुटिया जल गई। रात्रि में भगवान ने विश्वकर्मा से कहा, मेरे भक्त की कुटिया जल गई, जाओ रात्रि में, एक रात्रि का जो द्वारिका बना सकता है एक रात्रि में, उसके लिए कुटिया बनाना क्या है। रात्रि में विश्वकर्मा को भेजा, इतनी सुंदर कुटिया बन गई कि ऐसी कुटिया कभी किसी की बनी नहीं थी। प्रातःकाल लोग देखने के लिए फिर आए, अरे इतनी सुंदर कुटिया रात भर में तैयार हो गई। नामदेव जी से पूछा, ये किसने बनाई कुटिया, कहाँ से कारीगर आया। नामदेव जी मुस्करा के थोड़ा विनोद में बोले ये कारीगर तभी मिलता है जब अपनी कुटिया को अपने हाथ से जलाना पड़ता है।
ये कारीगर ऐसे नहीं मिलता। इतना भरोसा हो उस कारीगर पर, तो क्या आपने जलाया? बोले मैंने जलाया नहीं, आग तो अपने आप लगी थी, लेकिन मेरे को लगा आज मेरा ठाकुर आग का रूप लेकर के मेरे घर आया है, तो आग का भोजन होता है घी, मैं अपने ठाकुर को घी डाल करके उसको भोजन करा रहा था, और वो ठाकुर ने रात में मेरी कुटिया बनवा दी। अब आपको भी भरोसा हो तो अपना अपना घर जला के देख लो। आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, नामदेव जी ने कहा उन लोगों को, भरोसा तो हो, कोई नहीं जलाया, वो पता नहीं नामदेव जी का तो बन गया, पता नहीं हमारा बने ना बने, कौन जलाएगा। तो ये जो भरोसा है भगवान का, भरोसा एक भरोसा। आज विभीषण, यद्यपि विभीषण पहले कैसा भी था, लेकिन आज विभीषण का मन बिल्कुल रामाकार है, राम प्रेम से भरा हुआ है। भगवान कहते हैं सुग्रीव, जिसका मन निर्मल हो जाता है, विभीषण का मन निर्मल था क्या? इस समय था, पहले था कि नहीं था नहीं कहा जा सकता, और आगे भी पूरा रहेगा कि नहीं रहेगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस समय था, इस समय रामाकार, इस समय राम प्रेम में डूबा हुआ है। और निर्मल मन की पहचान क्या है? जहाँ कोई छिपाव नहीं, जहाँ कोई छल कपट नहीं, जैसा है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कहते हैं जीवन में कुछ भी दोष हो, दोष को लेकर के मेरे पास आ जाएगा, दोष की निवृत्ति मैं कर दूंगा, लेकिन अगर कपट पूर्वक आएगा तो मेरे को स्वीकार करना कठिन होगा। अगर दोष है तो बता दे मेरे में ये दोष है, गुण है तो गुण बता दे, दोष है तो दोष बता दे। रामचरितमानस में, भागवत में भगवान ने दो दोषों को कभी स्वीकृति नहीं दी, कपट को और एक अभिमान को, बाकी नहीं कहा। कपट छोड़ करके आवे, भागवत में भी श्लोक है प्रोज्जित कैतव धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम, भागवत का श्लोक है। बोले महाराज भागवत धर्म क्या है, भक्ति क्या है, जिसमें कपट नहीं होता है, काम नहीं होता नहीं कहा, क्रोध नहीं होता नहीं कहा, लोभ नहीं होता नहीं कहा। क्यों? ये दोष लेकर के भी भगवान के पास जाओगे तो भगवान निवृत्त कर देंगे, छुड़ा देंगे, लेकिन अगर बताओगे ही नहीं, छिपा के जाओगे, है दोष और निर्दोष दिखाना चाहोगे, है दोष और गुणवान दिखाना चाहोगे, तो भगवान स्वीकार नहीं करते। पता तो लग जाता है कि सच्चाई क्या है, लेकिन स्वीकार नहीं करते। संत और भगवंत दो के पास जैसे हो वैसे चले जाओ। अरे भाई, बच्चा माँ के पास नहा धो के जाएगा तभी माँ गोद में उठाएगी क्या? अगर बच्चे के कपड़े गंदे हो गए हैं वैसा चला जाए तो भी माँ पहले उसको नहलाएगी धुलाएगी फिर गोद में ले लेगी। लेकिन बच्चा अगर नाटक करने लग जाए, मैं तो बिल्कुल साफ हूँ, माँ बोलेगी तो साफ तो है नहीं, नाटक कर रहा है, दो थप्पड़ और मारेगी। तो अभिप्राय भगवान बिल्कुल माता पिता के जैसे। हम लोग रोज बोलते हैं तुम्हें वो माता, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अच्छा सच बताओ, मानते भी हो कि नहीं मानते हो? ये श्लोक इतना सरल है, छोटे छोटे बच्चों को याद है, बड़ों को भी याद है, लेकिन उस श्लोक पे कभी विचार करो क्या क्या हम लोग बोल जाते हैं, लेकिन हृदय पूरा स्वीकार करता है क्या? तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, तुम्हें वो बंधुष च सखा तुम्हें। अगर भगवान ही सखा हो गए, भाई हो गए, फिर आपको कोई फ्रेंड व्रेंड बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? पड़ेगी, लेकिन बनाते हो कि नहीं बनाते हो? आजकल तो मेरे को देख सुन करके इतना आश्चर्य होता है, जिनको कभी देखा नहीं, जिनके विषय में जानते नहीं, फेसबुक में फ्रेंड बन जाते, और उनसे इतनी आत्मीयता, इतनी घनिष्ठता, पता नहीं वो धोखा है कि सच है, बाद में कई बार धोखा भी खाते। हमारे एक महात्मा जानते हो, फेसबुक को बोलते थे फंसे बुक। फेसबुक मतलब फंसे बुक, जिसके ज़्यादा चक्कर में पड़ के व्यक्ति फंस जाता है कहीं ना कहीं, उसका नाम फेसबुक। तो ये जो हालत है ना, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव द्रविड़म, क्या क्या शब्द है महाराज, हमारी संपत्ति भी आप है, तमेव सर्वम, हमारे सब कुछ आप हैं। ये श्लोक प्रायः जितने बैठे उनमें से 80% लोग रोज बोलते होंगे, और स्वीकृति कितने परसेंट लोगों ने दिया इस श्लोक को? हाथ उठा के बता दो थोड़ा, क्यों नहीं उठा रहे हाथ? गड़बड़ मामला। कोई नहीं उठा रहा,
इतना सरल सा श्लोक है, छोटे छोटे बच्चे जानते, और एक श्लोक जीवन में उतर जाए तो जीवन का काम हो जाए। तो अभिप्राय भगवान प्रसंग पे आ जाए। भगवान कहते हैं तुम काम है, क्रोध है, लोभ है, कोई चिंता मत करो। अरे भाई, ध्रुव जी राज्य पाने के लिए गए थे कि नहीं गए थे? ध्रुव जी तो राज्य पाने के लिए तपस्या किए ना, बता दिया मेरे को राज्य चाहिए, भगवान ने दिया कि नहीं दिया? राज्य पाने की इच्छा को लोभ के अंदर ही तो लिया जाएगा, वो इच्छा भगवान से जुड़ गई तो उसका नाम भक्ति हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन राज्य पाने की इच्छा तो लोभ ही कहलाएगी। अच्छा, कुब्जा कैसे जुड़ी? कामना से जुड़ी, भगवान ने स्वीकार किया। और ये जो रावण है, कुंभकर्ण है, कंस है, ये कैसे जुड़े? क्रोध से जुड़े, लेकिन जुड़े तो सही, भगवान से जुड़े। हाँ, रावण कुंभकर्ण, यही रावण के जो कहते हो जानकी जी का हरण कर रखा है, भगवान की साक्षात जगत जननी, भगवान की जगत जननी जानकी जी का हरण किया, और भगवान ने जब उसका उद्धार किया तो मार करके कहाँ भेजा? नरक भेजा कि वैकुंठ भेजा? कहाँ भेजा? हमारे आपके घर के किसी बच्चे का कोई हरण कर ले, महिला का कोई हरण कर ले, तो आप उसको कोठी में रखोगे कि जेल में भेजोगे? कहाँ भेजोगे? बोलते चलो। और राम जी ने तो जेल में नहीं भेजा, यही फर्क है हमें और राम जी में। राम जी कहते हैं किसी तरह जैसे हो वैसे के वैसे मेरे से जुड़ जाओ, बाकी काम मैं कर दूंगा तुम्हारा। रावण को क्रोध से जुड़ा तो भगवान को पा गया, विभीषण प्रेम से जुड़ा तो भगवान को पा गया। भगवान से जुड़ो ईमानदारी से, जैसे हो वैसे जुड़ जाओ। रावण में जो था सामने था, छिपाया नहीं, ऐसा नहीं था कि क्रोधी था, कामी था और बता दिया नहीं तो बड़ा भारी भक्त हूँ, ऐसा नहीं, जैसा था लड़ा, अंत तक लड़ा। रोटी राम बाबा कहते थे रावण का जब संहार कर दिया भगवान ने, जय विजय का रूप था, और जब रावण का शरीर छूट गया, जय विजय के रूप में भगवान के धाम को जाने लग गया प्रणाम करके, तो आखिर तो भगवान का सेवक था जय विजय। भगवान को प्रणाम करके मुस्करा करके रावण ने पूछा, श्री राम इस युद्ध में विजय किसकी हुई? राम जी मुस्करा के बोले, क्या इसमें प्रश्न कहाँ है? सारा संसार देखा, देवताओं ने देखा, तो परिवार के साथ तेरा उद्धार हुआ, संहार हुआ, विजय तो मेरी हुई। रावण ने कहा, नहीं नहीं, विजय मेरी हुई। वो कैसे? रावण के हृदय में भी अंत में कैसा प्रेम प्रकट हो गया। रावण कहता है, श्री राम जब तक मैं जीवित था आपको अपने नगर लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, और आपके जीते जी मैं आपके धाम वैकुंठ में प्रवेश करने जा रहा हूँ, आपकी ताकत नहीं है मेरे को रोकने की। हाँ, आपने ही दिया है, आप ही भेजेंगे, ये राम का स्वभाव। हाँ, ईमानदारी से। हाँ, तो ईश्वर के रास्ते में, साधना के रास्ते में पहली शर्त क्या है? पहली शर्त क्या है? ईमानदारी, सच्चाई। आप जैसे हैं वही है। हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं, और सुग्रीव अगर ये किसी तरह हम तुम्हारी बात के अनुसार मान ले, यद्यपि ऐसा लगता नहीं है, तुम्हारी बात को मान लें कि भेद लेने के लिए आया है, रावण ने भेजा है, तो मैं तो लीला कर रहा हूँ, अगर मैं आदेश दे दूँ तो लक्ष्मण सारे राक्षसों को एक पल में मार डालेंगे, एक पल में, दूसरा पल नहीं लगेगा, और वैसे भी आप विचार करें शक्ति से भी मार डालेंगे, और ये सारा ब्रह्मांड किसके सिर पे है? किसके सिर पे सारा ब्रह्मांड? शेष भगवान के। थोड़ा सा हिला दें, एक मिनट का भूकंप आ जाए, हाँ, 9 के स्केल पे, बचेगा कुछ? एक पल में मार डालेंगे, बोले थोड़ा सा हिला देंगे सारा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा, कहाँ बचेगा रावण, कहाँ बचेगी लंका? ये तो मैं तो लीला कर रहा हूँ, लीला, हाँ, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। उभय भां तिते ही आन हो, दोनों तरह से, अगर भक्ति से आया है तो भी ले आओ, और भेद लेने आया है तो भी ले आओ। ये राम जी का नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझान यथारथ। क्या भक्ति, क्या नीति, क्या व्यवहार, क्या परमार्थ ले आए महाराज। हनुमंत लाल जी और अंगद जी सबसे आगे गए लेने के लिए। हनुमान जी को देख करके विभीषण ने वहीं जाकर के प्रणाम करना चाहे, हृदय से लगा लिया। हनुमंत लाल जी को देख करके आंखों में आंसू आ गए, आपने ठीक ही प्रभु का स्वभाव बताया था। हनुमान जी ने तो बताया था लंका में सबसे पहले ऐसे हैं मेरे प्रभु। अब महाराज आ करके जैसे भगवान के सामने खड़े हुए, विभीषण भगवान का स्वरूप देखते, नेत्र कमलों में
प्रेम के आंसू थोड़े थोड़े निकल रहे, शरीर में रोमांच है विभीषण को देख करके, कैसा जीवन प्रभु का है। हाँ, ऐसे भक्त को भी इतने प्रेम से स्वीकार करते हैं, जो लंका में रहते समय एक बार भी सीता जी को मिलने नहीं गया, ऐसा भक्त है विभीषण। लेकिन इस समय प्रेम है, रामाकार मन है, हनुमान जी साथ में लेके आ रहे हैं और विभीषण भी देख रहा है, उनके नेत्र भी कमल के जैसे, हाथ भी कमल के जैसे, मुख भी कमल का जैसा, पैर भी कमल के जैसे। और महाराज बड़े प्रेम से बहुत देर तक तो देखता ही रहा, बहुत देर तक, क्यों, ऐसा सौंदर्य और ऐसी करुणा विभीषण ने पहली बार देखी। अरे विभीषण के बाद छोड़ो, ये तो भक्ति से आया है। रावण के बहन शूर्पणखा कोई भक्ति से गई थी क्या? क्यों भाई, शूर्पणखा जब पंचवटी में राम जी के पास गई थी तो भक्ति से गई थी कि वैसे घूमते घामते पहुंच गई थी? कैसे गई थी? घूमते घामते पहुंच गई थी। राम जी को देख करके वो भी तो आकर्षित हो गई, अपना रूप बदल के बड़ी सुंदरी का वेश बना लिया, राम जी को प्रस्ताव कर दिया कि मेरे से विवाह कर लीजिए। विभीषण की बहन ही तो थी, वो भी आकर्षित हो गई। अच्छा चलो शूर्पणखा को छोड़ो, जब सेतु बंद हुआ समुद्र में, सेतु आगे कथा आएगी, वो सेतु बंद जब हुआ तो सेतु बंद का काम पूरा हुआ तो हनुमान जी ने, जाम्बवान जी ने, नल नील ने भगवान श्री राम को कहा कि थोड़ा आप सेतु पे आके दर्शन दे दीजिए और दर्शन कर लीजिए, काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। भगवान श्री राम, उस प्रसंग को आप जब पढ़ें, भगवान श्री राम जब वो राम सेतु पे खड़े हुए तो जितने समुद्र के अंदर के जीव जंतु थे वो सब समुद्र से बाहर आकर के लाइन से खड़े हो गए, पूरे सेतु के दोनों तरफ राम जी का दर्शन कर रहे। बड़े बड़े मगरमच्छ, तिमिंगल, बड़े बड़े जल जंतु, बड़ी बड़ी मछलियाँ दोनों तरफ। बोले एक सेतु तो बंदरों ने बनाया था और अगल बगल एक एक सेतु राम जी के दर्शन ने बना दिया, तीन सेतु बन गए, तीन। राम जी ने कहा अब सेतु कम नहीं पड़ेगा क्योंकि तीन सेतु बन गए। किसी ने कहा तीन कैसे बन गए? बोले एक तो ये पत्थरों का बना है, दो जानवरों का बना हुआ है। बंदर बोले महाराज ये जानवरों के ऊपर से पैर रख के पार होना बहुत खतरे का काम है, इनके ऊपर पैर रखोगे और ये डुबकी लगा गए तो गए काम से। राम जी बोले कि जब तक मैं खड़ा रहूंगा तब भी एक भी जानवर डुबकी नहीं लगाएगा। किसी ने कहा तो क्या प्रमाण क्या है? बोले देख लो, एक बंदर ने एक शिला पटक के देखी जानवर के ऊपर, प्रभु ही बिलो कहीं टर ही न टारे। तुलसीदास जी ने लिख दिया है भगवान श्री राम के दर्शन में इतने मग्न थे वो जानवर, कोई पत्थर पटका शिला पटका एक भी जानवर वहां से भाग के नहीं जा रहा है। और इसलिए वहां पर लिख दिया सेतु बंद भई भीड़ अति, कपि नभि पंथ उड़ाही, अपर जलचरन ही ऊपर चढ़ी चढ़ी पा रही। कुछ बंदर एक्चुअल सेतु से पार हुए और कुछ बंदर जल जंतुओं के ऊपर से चढ़ चढ़ के पार हुए, एक भी जल जंतु नहीं हटा। मतलब राम जी का सौंदर्य ऐसा था कि जहाँ मगरमच्छ भी उनके सौंदर्य को देख करके कोई उनको ऊपर से निकल जाए तो भी नहीं हटते। ये राम जी का सौंदर्य कितना सौंदर्य था। तो अगर मगरमच्छ आकर्षित हो जाए, शूर्पणखा आकर्षित हो जाए तो विभीषण आश्चर्य आकर्षित हो जाए तो कोई आश्चर्य है क्या? आश्चर्य है नहीं है। विभीषण बहुत देर तक खड़े रहे, हाँ शरीर में रोमांच है, आंखों में प्रेम के आंसू हैं, हाँ बहुत देर तक प्रभु का दर्शन ही कर रहा है। इस समय प्रेम है, भक्ति है, अब कोई दुविधा नहीं है। भगवान श्री राम समझ गए ये तो बड़ा भारी प्रेमी है इस समय, हाँ इस समय तो बहुत बड़ा प्रेम इसके हृदय में आ रहा है। बहुत देर के बाद मन को महाराज धैर्य धारण किया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है। विभीषण ने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं आपके चरणों का भक्त हूँ, आपका प्रेमी हूँ, बिल्कुल नहीं कहा। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, अपना सही परिचय दिया, आप जो माने आपकी इच्छा, मैं रावण का छोटा भाई हूँ, हाँ राक्षस वंश में मेरा जन्म हुआ है और अगर मैं रावण का भाई हूँ तो आप समझ सकते हैं कर्म भी कुछ वैसे ही हो सकते हैं। निश्चर वंश जन्म सुरत राता सहज पाप प्रिय, क्यों, जन्म और कर्म का बड़ा भारी फल पड़ता है। आप कैसे परिवार में जन्म लिए हैं इसका प्रभाव पड़ता है, कैसे परिवेश में आपका पालन पोषण हो रहा है इसका प्रभाव पड़ता है। निश्चर वंश,
सहज पाप प्रिय तामस देहा, तामसी शरीर है, पाप सहज में होने लग जाते हैं, सत्कर्म करने में बड़ा प्रयास करना पड़ता है, ये मेरी अवस्था है प्रभु, ये मेरी सच्चाई है। फिर अगर ऐसी अवस्था है तो तुम यहाँ कैसे आ गए, यहाँ क्या करने आए हो, यहाँ तो मैच कुछ होगा नहीं, यहाँ तो भगवान के प्रेमी लोग हैं, सात्विक लोग हैं, तामसी तो कोई है ही नहीं। यहाँ विभीषण बड़ी सुंदर बात कहते, हनुमान जी की तरफ देखा और हनुमान जी ने इशारा कर दिया, हाँ मैंने जो कहा था वही बता दो। क्या कहा था? श्रवण सुजस सुनी आयो। महाराज मैंने आपका स्वभाव देखा नहीं लेकिन सुना है। कहाँ से सुना है? हनुमान जी विभीषण एक दूसरे को देख रहे हैं, भगवान समझ गए हनुमान जी ने कुछ किया है। जो हाँ जवाब किसी को दे और बार बार किसी की तरफ देखे, समझ लेना उसने सिखाया है, उसने पढ़ाया है। बार बार हनुमान जी की तरफ देख के विभीषण बोल रहे हैं, श्रवण बात कितनी सुंदर कहा है, बड़ी मार्मिक बात कहा। श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भव वीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। आपका यश सुन के आया हूं, कहना क्या चाहते हो? विभीषण ने प्रभु से कहा, प्रभु सुना तो बहुत है लेकिन देखना बाकी है। कितनी सुंदर बात, सुना तो बहुत है, हनुमान जी ने बहुत सुनाया, नाम नहीं लिया लेकिन प्रभु समझ गए, बहुत सुना है आपके विषय में, कोई भी आश्रय भरोसा छोड़ के आपकी शरण में आ जाए आप उसको स्वीकार कर लेते, और उनको ही नहीं हमको आपको भी, कभी अगर ऐसी परिस्थिति आवे कोई आश्रय भरोसा न रहे, चलो थोड़ी देर के लिए सही, हमेशा के लिए न सही, कोई ऐसी परिस्थिति में फंस जाओ जहाँ आपकी ताकत काम न कर रही हो और सहयोगियों की ताकत का कोई भरोसा न रह गया हो, उस समय जिसको भी तुम मानते हो, हनुमान जी को, राम जी को, कृष्ण जी को, दुर्गा जी को, तनाव मत लेना, वहीं बैठ के या खड़े होके उनके प्रार्थना प्रारंभ कर देना। मैं व्यासासन से आपको कह सकता हूँ, थोड़ी देर के अंदर कोई ना कोई रास्ता आपको बताने वाला आ जाएगा। वो ठाकुर किस रूप में आएगा वो तो नहीं बताएगा, वो व्यक्ति के रूप में आ सकता है, वो किसी अनजान के रूप में आ सकता है, आएगा, ये मैं अनुभव के आधार पे कहता हूँ, अपने अनुभव के आधार पे, शास्त्रों के आधार पे। ये परिस्थिति जहाँ होगी, हम लोग प्राय करते क्या है, वहाँ तनावग्रस्त हो जाते, टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, नहीं, अरे जब तक ठाकुर हमारा इस विश्व में हमारी सहायता के लिए तैयार है फिर क्यों टेंशन लेना है। अपनी शक्ति से अच्छा काम करो, जहाँ अपनी शक्ति समाप्त हो जाए ठाकुर की शक्ति का सहारा लेके आगे बढ़ो, और एक बार जब हो जाएगा ना फिर आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा रस आएगा, फिर जीवन में तनाव रहेगा नहीं, निराशा रहेगी नहीं, क्यों? आपको पता लग जाएगा जहाँ तक प्रभु ने हमको शक्ति दी है वहाँ तक हम अच्छा काम करेंगे, और जहाँ हमारी शक्ति समाप्त हो जाएगी वहाँ प्रभु से प्रार्थना करेंगे और फिर प्रभु उस काम को करेंगे। होता है कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति से काम हो जाता है जिसको आप विरोधी मानते, वो व्यक्ति आपका काम कर जाता है, आप करके देखना, तो वो व्यक्ति नहीं करता है, उस व्यक्ति से ठाकुर जी करवाते, करके देखना आप लोग। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति हो, पूर्ण महाराज, हमारे गुरु जी कहते थे कभी कभी विनोद में, अब तो महाराज ये मोबाइल व्हाट्सएप और ये सब हो गया, पहले जब कॉल करना होता था, विदेश कॉल करना होता था, ISD कॉल, तो 00 लगाना पड़ता था, 00 लगता है ना ISD कॉल में। अरे गुरु जी कहते थे भगवान की भी लाइन मिलाना हो, भगवान एक तरह से हम लोग यही मानते हैं ना, गोकुल गोलोक में रहते हैं, बैकुंठ में रहते हैं, साकेत माने विदेश में रहते, तो उनके भी लाइन मिलाना हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले 00 लगाना पड़ेगा, और वो 00 क्या है, अपनी शक्ति 0 हो जाए और सहयोगियों की शक्ति 0 हो जाए, उस अवस्था में प्रार्थना करोगे तुम्हारी लाइन तुरंत मिल जाएगी और तुमको जवाब तुरंत मिल जाएगा। उसके पहले प्रार्थना करते तो नहीं होता है, क्यों? द्रौपदी को भी भगवान कब आए, जब तक अपनी ताकत से रोका तब तक नहीं आए, जब तक पतियों का भरोसा रहा तब तक नहीं आए, जब पतियों का भरोसा छूट गया, अपनी ताकत छूट गई हाथ से संभालने की, फिर क्या भगवान ने विलंब किया? नहीं, थे तो वहीं, लेकिन वही 00 की अवस्था जब तक नहीं आती है, गजेंद्र के यहाँ कब आए,
जब तक उसके परिवार वालों ने सहायता किया भगवान नहीं आए, जब तक गजेंद्र में ताकत रही भगवान नहीं आए। गजेंद्र का शरीर यहां तक डूब गया था, खाली सूंड बचा था, और भगवान को पुकारा हे गोविंद, और गोविंद नाम सुन करके भगवान आए और गजेंद्र का उद्धार कर लिया। तो ऐसा नहीं कि उस समय होता था, आज भी होता है, लेकिन उस अवस्था में हमारी प्रार्थना हो, जिस अवस्था में गजेंद्र ने किया था, जिस अवस्था में द्रौपदी ने किया था, जिस अवस्था में ध्रुव ने किया था, और भगवान का जवाब मिला। महाराज तो ये क्या कहते हैं विभीषण, बोले सुना तो बहुत है आपके विषय में, आपके स्वभाव के विषय में, लेकिन अब देखने का समय आ गया है, देखना चाहता हूँ आपका स्वभाव। हनुमंत लाल जी समझ गए, ठीक सिखाया था, ठीक काम कर रहा है। गुरु तो मिल जाएगा, लेकिन शिष्य में भी तो कुछ योग्यता होनी चाहिए ना, कि जो सिखाए ठीक से बोल दे। वाह हनुमंत लाल जी, गुरुओं का तो यही रोल है ना, जीव को रास्ता बता दे, लेकिन चलना तो शिष्य को ही पड़ेगा, जीव को ही पड़ेगा। अरे भाई मंत्र ही तो गुरु बताएगा, लेकिन माला तो तुम्हारे नाम के गुरु नहीं जपेगा ना, माला तो तुम्ही को जपनी पड़ेगी। एक बार हमारे पूज्य रोटीराम बाबा कभी कभी विनोद करते थे, संत विनोदी होते, क्यों विनोदी होते, क्योंकि उनके जीवन में कोई तनाव टेंशन नहीं होता है, हंसते हंसाते रहते। बाबा ने कहा देखो भाई, भगवान को मिलने के दो रास्ते, एक रास्ता है जिसमें भगवान चल के स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, और एक रास्ता है जिसमें तुमको चल के भगवान के पास जाना पड़ेगा। तो श्रोताओं से पूछते थे तुमको कौन सा रास्ता ज्यादा अच्छा लग रहा है, भगवान चल के तुम्हारे पास आ जाए या तुम चल के भगवान के पास जाओ। अगर आपसे पूछा जाए तो आपका क्या जवाब होगा, भगवान आ जाए। देखो यही मेरे को आशा थी, भगवान आ जाए। क्योंकि हम फुर्सत में नहीं, भगवान फुर्सत में बैठे। हाँ नहीं, ठीक ही कहा, प्रायः सब यही चाहते हैं। भाई हम तो ऑफिस में बिजी हैं, इसमें बिजी हैं, उसमें बिजी हैं, भगवान आ जाए। तो जब ये जवाब बाबा को भी यही मिलता था, बाबा फिर इसकी व्याख्या करते थे, बोले देखो विभीषण को चल के आना पड़ा और रावण के यहाँ भगवान स्वयं चल के गए, अब बताओ क्या बनना चाहते हो। रावण के यहाँ तो भगवान चल के गए, विभीषण को चल के भगवान के पास आना पड़ा। लेकिन ये ध्यान रखना, रावण बनना सरल नहीं है, विभीषण बनना सरल है। रावण वही बन सकता है जो भगवान शिव की इतनी बड़ी आराधना करे और ऐसी शक्ति मिले कि भगवान को छोड़ के उसको कोई पराजित न कर सके, वो रावण बन सकता है। विभीषण कोई भी बन सकता है, रावण बनना सरल बात नहीं है। आप कहोगे हम तो रावण बन के दुष्टता का काम करेंगे, अरे तुम यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर पकड़ के चार डंडा मार के बंद कर देगा, भगवान थोड़ा आएंगे तुम्हारे लिए। गड़बड़ करोगे तो पुलिस ही पकड़ के अंदर कर देगी तुमको, भगवान के आने की जरूरत नहीं है। रावण जैसा ताकत हो, रावण जैसी तपस्या हो, तो अब क्या बनना चाहते हो, स्वयं चल के जाओ कि भगवान चल के आओ। चलो चलो बाद में बात कर लेंगे, तुम अभी भी मानोगे नहीं है। ये हमारे शिष्य हैं और बड़े पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी बड़ी समस्या हो जाती कभी। या तो बहुत अच्छा ही हो जाता है, बहुत गड़बड़ी हो जाता है, क्योंकि जिधर चलेगा तेज बुद्धि चलेगी। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो महाराज उन्होंने कहा श्रवण सुजस सुनी आयो। हाँ विभीषण कहते हैं प्रभु आपका यश सुना है, स्वभाव के विषय में सुना है। अब सुना है तो राम जी समझ गए किससे सुना होगा, लंका कौन गया था, हनुमान जी तो गए थे। समझ गए जब हनुमान जी ने जिसका रास्ता बता दिया, वो रास्ता गलत हो नहीं सकता है। जैसे उन्होंने कहा पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, प्रभु आपके शरण में मैं आया हूं। शरणागत हो गए, चरणों में गिरना ही चाहते थे। अस कही करत दंडवत देखा, दंडवत दंडवत माने डंडे की तरह, जैसे डंडा एकदम से गिर जाता है ना, जब बहुत व्यक्ति के मन में श्रद्धा होती है या बहुत दैन्य होता है और कोई महापुरुष मिल जाए, संत मिल जाए, भगवान मिल जाए, तो देखता नहीं कि क्या होगा, सीधे डंडे की तरह जमीन पे गिर जाता है। साष्टांग प्रणाम जिसको बोलते, पहले हमारी संस्कृति में साष्टांग प्रणाम ही होता था। शरीर जिनका ठीक है, अब ऐसे नहीं कर देना कि गिर तो जाओ लेकिन उठा नहीं पाओ तो गुरु को ही उठाना पड़े।
वो मत लेट जाना, क्योंकि यहाँ कभी कभी एक दो लेट जाते, वो अपने से उठ जाए तब तो ठीक है, तो गुरु जी को एक काम और मिल जाए। तो पहले हमारी संस्कृति थी साष्टांग प्रणाम करने की। अगर वैसा शरीर नहीं है तो महाराज स्पर्श, चरण स्पर्श किया जाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति, आप देखो कितनी अच्छी संस्कारवान है। चरणों में प्रणाम किया जाता है, दाहिने हाथ से दाहिना पैर, बाएं हाथ से बायां पैर, ऐसे ना, उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है गुरु की या भगवान की। अगर झुक भी नहीं सकते, बैक पेन है, नेक पेन है, कोई समस्या है, दर्द है, तो हाथ जोड़ो और सिर झुकाओ। हाथ जोड़ने का अर्थ होता है कर्म शक्ति का समर्पण अपने आराध्य के चरणों में, और सिर झुकाने का अर्थ होता है अपने ईगो का समर्पण, अभिमान का समर्पण। ये सब चीज बिल्कुल हाँ शास्त्रीय है। साष्टांग प्रणाम, चरण स्पर्श करके प्रणाम, या हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम, ये प्रणाम तीन तो ठीक हैं। अब इसके आगे के जो आज के जो प्रणाम होते हैं उसका तो भगवान मालिक है। हाँ, पहले तो प्रणाम हुआ था टाटा, फिर प्रारंभ हुआ बाय बाय, अब आजकल और जो एडवांस हो गए हाई एजुकेटेड, वो क्या बोलते हैं, हाय हाय हाय। कितना अब शगुन का शब्द है ये। जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो लोग बोलते हैं हाय, और आज फोन उठाते क्या बोलते हाय। अरे जय श्री कृष्णा बोलो, राधे राधे बोलो, जय सियाराम बोलो, कितना सुंदर लगेगा। ये शब्द वाइब्रेशन क्रिएट करता है। आज तो साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है, कोई पौधा लगाओ और अच्छा सुंदर संगीत उसके पास लगा दो, पौधे की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। गौशाला में अच्छा म्यूजिक लगा दो, गैया दूध ज़्यादा देती है। आज साइंस ने सिद्ध कर दिया शब्द का कितना बड़ा प्रभाव होता है। तो हाय हाय बोलना चाहिए फोन पे? हाँ ना, तो बोल दो, बोलो मत बोलो, नहीं बोलना चाहिए ना। तो आज से क्या बोलोगे, जय सियाराम, हाँ जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हाँ राधे राधे, हाँ ये शब्द बोलो ना, कितना अच्छा वातावरण बनेगा, कितने अच्छे शब्द बनेंगे। हाँ, बहुत बच्चों ने बदल दिया मेरे कहने से, यंग जनरेशन के बहुत बच्चों ने हेलो हाय कहना बंद कर दिया। तो अभिप्राय ये थोड़ा फॉलो करो वेस्टर्न कल्चर को, ठीक है, लेकिन जितना उपयोगी है, बहुत ज्यादा नहीं, पागलपन में नहीं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी फॉलो किए जा रहे, तो ठीक है, अब आपकी मर्जी, कहना मेरा काम है। तो दंडवत, विभीषण जी साष्टांग दंडवत गिर पड़े भगवान के चरणों में। भगवान जब गिर ही पड़े, साष्टांग लेट ही गए, तब भगवान बैठे थे महाराज, भगवान उठे, उठ करके विभीषण को दोनों भुजाओं से उठा लिया। अगर आप गिरने लग जाओगे तो ठाकुर आपको उठा लेंगे। आप गिरो तो सही, दुनिया में गिरोगे तो आप जानो, भगवान के चरणों में गिरोगे तो कभी गिरने नहीं पाओगे। ठाकुर तुरंत उठे, प्रभु हरस विशेषा, दीन वचन सुने प्रभु मन भावा, भुज विशाल, भगवान की भुजाएं बहुत विशाल, जहां भी गिरोगे वहीं से उठा लेंगे। विभीषण को उठा लिया, और उठा ही नहीं लिया, भगवान को बता दिया था मैं निशाचर जाति में मेरा जन्म है, तामसी शरीर है। अब यही इशारा बहुत था, आगे कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन धन्य है प्रभु, विभीषण को उठा करके हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा लिया। जो लोग बोलते हैं हिंदू धर्म में जाति पाति छुआछूत का बहुत बड़ा वर्णन है, अरे भाई राम जी ने नहीं किया, कृष्ण जी ने नहीं किया, तो वर्णन कहाँ से आ गया? राम जी शबरी के घर में बेर खाए कि नहीं खाए, और वो भी जूठे बेर खाए, भीलनी के घर में निषाद राज को उठा के हृदय से लगाया कि नहीं लगाया? निषाद राज तो कोई ब्राह्मण नहीं था। विभीषण को उठा के हृदय से लगाया कि नहीं लगाया? जो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको कहा जाता है, जो धर्म के संस्थापक मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, उन्होंने जब इस चीज को नहीं स्वीकार किया, तो आज पीछे के जो लोग कहते हैं वो अपने मन की कल्पना करते, और कृष्ण भगवान तो महाराज कभी इसको स्वीकार किए ही नहीं, वो तो कहीं भी जाके भोजन कर लेना, और वो तो महाराज मांग के नहीं, चुरा के छीन के झपट के जैसे मिले जिसका मिले। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, कृष्ण भगवान करते, यहाँ कृष्ण भक्त बहुत बैठे हैं, पीछे मेरे से झगड़ा करते, तो वो महाराज कृष्ण भगवान तो किसी का कहीं का कभी का खा जाते थे। तो ये महाराज भगवान उठा करके हृदय से लगा लिया, और मिलने के बाद महाराज बैठ गए, बगल में बैठा लिया, और शब्द क्या थे भगवान के, बस यही आश्चर्य। अभी कुछ हुआ ही नहीं, न युद्ध प्रारंभ हुआ, न रावण मारा गया, न कोई योजना बनी, लेकिन संबोधन क्या था प्रभु का,
कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। लंकेश सब सुकुशल तो है ना। लंकेश कौन था? रावण था कि विभीषण था? लंकेश माने लंका का राजा। विभीषण को लग रहा मैं लंकेश तो हूं ही नहीं, और लंकेश बनने के चक्कर में तो इतने दिन तक आया नहीं। लंकेश बनने की आशा में न जानकी जी के पास गया न राम जी के पास आया, मैं कहां भ्रम में पड़ा हुआ था। और इसी चक्कर में हम आप भी पड़े रहते हैं। अरे भगवान की पूजा जल्दी जल्दी कर लो, क्यों? ऑफिस जाना है, पैसा कमाना है, व्यापार करना है। आप लोगों को अगर भरोसा हो जाए कि नारायण के चरणों की सेवा हमेशा लक्ष्मी जी ही करती है, जहाँ नारायण रहते हैं वहाँ लक्ष्मी हमेशा रहती है, बाकी जगह लक्ष्मी आती जाती रहती है, फिर आप नारायण के भजन को शॉर्ट में करोगे कि अच्छे से करोगे? हाँ, सबसे शॉर्ट में वही किया जाता है, सबसे शॉर्ट में। अगर माला भी जपेंगे तो शताब्दी एक्सप्रेस की तरह, और अगर हनुमान चालीसा करेंगे तो बाथरूम से प्रारंभ होगा, कपड़ा पहनते पहनते पूरा हो जाएगा। हनुमान जी सोते मेरे से ज्यादा बिजी है, इससे मैं मिलूं भी तो मिलूं का? ये तो इतना बिजी है, क्यों मनीष? सही है ना? तो अभिप्राय क्या? आप लक्ष्मी जी के लिए 12-12, 14-14 घंटा आराम से देते हो, और लक्ष्मी पति के लिए? थोड़ा लॉजिकली भी अगर विचार करो, लक्ष्मी पति जो है और जिनकी लक्ष्मी जी सेवा करती है, नारायण के लिए कितना देते हो भाई? और मैं कहता हूं नारायण के लिए 2 घंटा दो तो भी लक्ष्मी तुम्हारे साथ साथ घूमने लग जाएंगी। अच्छा, ऐसे भरोसा ना हो तो हमको देख लो, हम लक्ष्मी जी के लिए ज्यादा कुछ सेवा नहीं करते, आदर करते हैं, हमारी माता है वो, लेकिन हम तो नारायण को ही पकड़े हुए, लक्ष्मी जी हमारे साथ साथ हमेशा रहती है कि नहीं रहती? हाँ ना तो बोल दो, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, रहती है ना। तो ज्यादा फायदा किस में? हम तो 2 घंटा 1 घंटा आपको कथा सुना देते हैं, 3 बार खाते 3 बार सोते, आराम से भगवान का भजन करते, न फैक्ट्री चलाने की चिंता और न महाराज बिजनेस की चिंता, क्योंकि हमने उनको पकड़ा हुआ जिनके साथ साथ लक्ष्मी जी अपने आप रहती है। तब कल से आपको क्या करना चाहिए? बाबा बनने को नहीं कह रहा हूँ, बाबा मत बनिएगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, विनोद की बात अलग है, कम से कम 1/2-1 घंटा भगवान को ईमानदारी से दो। अगर लक्ष्मी को हमेशा रखना है, लक्ष्मी 10 साल से ज्यादा एक व्यक्ति के पास नहीं रहती, उनका नाम चंचला है, आएंगी तो भी नहीं पता लगेगा कहाँ से आ गई, जब जाएंगी तो आप रोक नहीं पाओगे कहाँ से चली गई, लेकिन नारायण को पकड़ के रखोगे तो लक्ष्मी हमेशा आपके पास रहेंगी। और चलो मैं अपना दृष्टांत क्यों दूं, अपना आदित्य बिरला ग्रुप को देख लो ना, 5 पीढ़ी चल रही, 5वीं जनरेशन, इन्होंने केवल लक्ष्मी जी की सेवा नहीं की, नारायण की सेवा निरंतर करते रहते हैं। आज लक्ष्मी जी की कृपा 5 पीढ़ी को आश्चर्य है, इस कलिकाल में, इस कलयुग में, मैं तो कहता हूँ किसी की नजर ना लगे, हाँ ठाकुर जी की कृपा बनी रहे ये परिवार पर, इतने मंदिर, इतने अस्पताल, इतना सत्संग। आज बहुत लोग दिल्ली में है जो व्यवसाय में लगे नहीं आ पाते, क्या कुमार मंगलम जी के पास व्यस्तता नहीं है? क्या राजश्री जी के पास व्यस्तता नहीं है? इनको समय कैसे मिल जाता है? जो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं, इतनी व्यस्तता, इतना काम है, ठीक है लगे रहो काम में, 10-12 साल के बाद जब लक्ष्मी चले जाएंगे अपने वृंदा बनाओगे। अगर नारायण को पकड़ के रखोगे तो हमेशा लक्ष्मी तुम्हारे साथ रहेंगी। लक्ष्मी आराध्या है, हमारी माँ है, उनका कोई अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन नारायण को छोड़ के नहीं, नारायण को पकड़ के रखो। रोज जीवन में 1 घंटा 1/2 घंटा भगवान को अवश्य देना चाहिए, जीवन आपका सुखी रहेगा। भगवान ने लंकेश कह दिया, बगल में बैठा लिया, और अब आगे भगवान विभीषण के साथ क्या करते हैं और आगे क्या लीला होती है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज का समय पूरा हुआ, आज इतना ही। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, नमः पार्वती फतेह हर हर मा।